रावण की शादी की जगह है यहाँ पे, मंदोत्री मंडोर है इसका नाम, मंदोत्री थी जो यहाँ की थी। ये मंदिर, ये कलाकारी, जोधपुर का पत्थर तो फेमस है ही, उसी पत्थर से बने हुए हैं। मुझे आने का मौका मिला तो मैंने इस मौके को गवाया नहीं और यहाँ पे आया और ये सब देखने को मिला है। ये चीज़ें ऐसी है जो मैंने भी फील किया, मेरी दादी जैसी, मेरी दादी भी मुझे। ये देखो आप, पूरा किला है यहाँ पे, रावण का ससुराल है मंडोर गाँव, इस शहर का नाम है मंडोर। तो आज सुबह नहा धोकर मैं निकल जाता हूँ मंडोर के लिए। जोधपुर की गलियों को नापते हुए पैदल यात्रा करते हुए मैं पहुंचता हूँ सबसे पहले होटल पर चाय या कॉफी पीने के लिए। चाय तो मिलती नहीं है, कॉफी में पीता हूँ। कॉफी की चुस्कियाँ भरने के बाद मैं होता हूँ बस में सवार और निकल जाता हूँ मंडोर गार्डन के लिए। 20 मिनट के सफर के बाद और 30 रुपए लेने के बाद बस वाले भैया मुझे मंडोर गार्डन के एकदम सामने छोड़ देते हैं। तो मैं 10 रुपए का टिकट लेके इसके अंदर एंटर करता हूँ। मंडोर गार्डन का इतिहास काफी पुराना है। ये जोधपुर में स्थित है जो कि राजस्थान में जोधपुर स्थित है। इस जगह का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। कहा जाता है रावण की शादी यहाँ पे ही हुई थी मंडोर में, और इस जगह का नाम रावण की वाइफ मंडोत्री के नाम से ही मंडोर है, और उससे पहले मांडवपुर था। अभी तो उस जमाने के कुछ अवशेष नहीं है, पर यहाँ पे मुझे काफी पुराने मंदिर वगैरह देखने को मिले जो कि 300-350 साल पुराने हैं और जो कि अभी बहुत ही अच्छी कंडीशन में, पर यहाँ पे पूजा पाठ अभी बंद है। तो मैं पैदल यात्रा करते हुए मंदिरों की ओर बढ़ता हूँ। और ये मंदिर है जो कि पुराने तो बहुत है पर यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह अभी बंद है सब। बहुत ही मतलब 300-400 साल पुराना है यहाँ का भी इतिहास। वैसे तो रामायण काल का है क्योंकि रावण का ससुराल माना जाता है इस जगह पे। जगह को गर्मी बहुत है इसको। वैसे तो यहाँ आप कभी भी आ सकते हो घूमने के लिए, पर सबसे बेस्ट टाइम है अगस्त, क्योंकि अगस्त के टाइम में राजस्थान में गर्मियाँ कम हो जाती है। यहाँ आपको मेन दो चीजों का ध्यान रखना होगा, एक अपने फोन का बंदरों से और दूसरा पानी की बोतल का, जो कि यहाँ पे काफी अंदर महंगी मिलती है। तो आप 2-4 बोतल अंदर लेके ही आइएगा क्योंकि 3-4 लीटर तो फ्यूल खत्म हो जाएगा घूमते घूमते। ये मंदिर, ये कलाकारी, जोधपुर का पत्थर तो फेमस है ही, उसी पत्थर से बने हुए हैं और बड़े बड़े तो बहुत है। मैं पहले घूम के आया हूँ यहाँ पे पूरा, और अंदर जाके कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, ओनली वो उसकी बात आती है किसकी यार, चमगादड़ों की। तो देख के गया मैं। और रावण लंका से सीधा यहाँ पे आया था। यहाँ पे एक अंडरग्राउंड रास्ता भी है और अभी पता नहीं कहाँ है वो। यहाँ पे ये कुछ छतरियाँ वगैरह बनी हुई है। 4 बोतल रोज का। यहाँ पर घूमते घूमते मुझे मालूम पड़ता है यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, तो मैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ता हूँ, जिसमें यहाँ आसपास में खुदाई में मिली हुई काफी सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं। तो मैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ता हूँ। गाइड वगैरह तो यहाँ पे मिलते नहीं है, और 10 रुपये टिकट है और संग्रहालय का 20 रुपये का टिकट है। सुबह में कितना 3 घंटा हो गया मेरे को आए हुए, तो लगभग तो मैंने सारा देख लिया है। कला का एक अनूठा प्रतिमा, मतलब अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। बंदर बहुत है इसलिए फ़ोन ज़्यादा बाहर निकाल नहीं सकता हूँ, मैंने तो लेके गए तो हो गया मेरा सब कार्यक्रम। लास्ट मंदिर है यहाँ से, इससे आगे पूरा एक पहाड़ पे जाता है रोड, और आगे एक छोटी सी झील भी है जो कि मैं देख के आ चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखो भाई साहब, इनसे बहुत डर लगता है, लेके गए ना पूरा गेम कर देंगे। फाइनली मैं पहुंचता हूँ मंडोर संग्रहालय और 20 रुपए का टिकट खरीद के अंदर की तरफ एंटर करता हूँ। मैं आया हूँ मंडोर गार्डन और इसके संग्रहालय में। कहा जाता है यहाँ पे रावण का शादी हुआ था, मतलब राम जी के इतिहास से टाइम से यहाँ का इतिहास है, काफी पुराना है। तो मैं यहाँ पे संग्रहालय में घूम रहा था तो मुझे कलाकारी दिखती है बहुत ही अलग अलग तरह की, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह। आप देख सकते हो मतलब ये सब हाथ से बनाए हैं या मिट्टी के हैं, ये शायद से सब मिट्टी के बने हुए हैं। और ये लोटा कलशिया मतलब प्लेट, ये नंदी महाराज, चीज़ें जो पुरानी हैं, जो ट्रेडिशनल थी, जो यूज़ होती थी उस टाइम में, ये मतलब कलाकारी है, उस टाइम की कला है लोगों की। ये शायद से ओरिजिनल एग है, नहीं इसके अंदर तो कुछ नहीं है, और ये अंडे हैं चतुर्मुर्ग के। आज पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी होती है, यहाँ पे कोई भी लोग नहीं आए हुए थे, मैं अकेला था, तो मैं आराम से एक ब्लॉग बना लेता हूँ बड़ा वाला जो कि आप देख रहे हो। ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, मुझे सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है प्लीज़। और पेरेंट्स को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों के साथ आइए, उन्हें बताइए कि हमारा इतिहास क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हम क्या हैं। ये सब ऐसी चीज़ें जिनके बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है ना ही बताया जाता है, इनके बारे में हमें खुद जानकारी प्राप्त करनी होती है। यहाँ पर काफ़ी सारी वस्तुओं के बारे में बताया गया है, बहुत सारी वस्तुएं अभी की है तो बहुत सारी वस्तुएं काफ़ी पुरानी है जो कि राजा महाराजा वगैरह यूज़ किया करते थे, जो कि राजस्थान के असली ट्रेडिशन को बताती है। राजस्थान का मतलब है देसी खान पान और देसी चीज़ें। विविध धर्मशाला जहाँ से मैंने अभी ये स्टार्ट किया है, और बाहर का कुछ ऐसा मॉल है क्योंकि 20 रुपये का टिकट है और अपन देख सकते हैं इसको पूरा घूम के आराम से, मस्त जगह है एकदम, मजा आता है देखने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस ऊपर, नीचे का देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ है साइड से। वैसे तो ये किला था पर अब इसे संग्रहालय बना दिया गया और बहुत सारी चीजें रखी गई है जो कि हमें देखने को मिलती है और बहुत ही आनंद आता है देखने में।
औरतों की मूर्तियाँ, उन्हें राजस्थानी सूट वगैरह पहनाए गए हैं। और ये हाँ, यहाँ पे मेंस लोग जो कि राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़ों में हैं और अपना वो डांस वगैरह कुछ कर रहे हैं। ये भी कला है यार, ये भी मूर्तियाँ हैं। बहुत ही अच्छी जगह है एक तरीके से। 20 रुपये में ये यहाँ पे जो स्वागत वगैरह होता है, कुछ भगवान का भी मतलब ट्रेडिशनल अंदर ऐड किया गया है। और ये यहाँ पे शायद से मुग़ल सल्तनत के टाइम का, यहाँ का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। जो राजा हैं, मुझे इनका नाम तो है नहीं पता अभी। और ये महाराजा हैं अपने हिंदू, तो महाराजा जी कौन है, ये उनका नाम नहीं लिखा हुआ, पर ये देखो आप कलाकारी राजा को प्रस्तुत किया गया है, मूर्ति बनाई गई है उनकी। और ये यहाँ की पुरानी कुछ ये पड़ी है। आप आओ जोधपुर, आप घूमो इस जगह को, राजस्थान के ट्रेडिशनल को, पुराना इतिहास, राजस्थान का ऑथेंटिक जो, और आप आके यहाँ पे फील करोगे। मुझे आने का मौका मिला तो मैंने इस मौके को गवाया नहीं और यहाँ पे आया और ये सब देखने को मिला है। ये चीज़ें ऐसी है जो मैंने भी फील किया है, मेरी दादी जैसे कि, मेरी दादी भी, मेरी मम्मी, ऐसा मैं समझ के भी चल सकता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फील की है, क्योंकि मैं राजस्थान में थोड़ा ही ऊपर रहा हूँ। तो ये जो राजस्थान के लोग हैं, उन्होंने तो एक बार ज़रूर ही आना चाहिए। उनकी मूर्ति है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैं वापस जाऊंगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी बहुत सारी कलाकारी है, तो मैं देख के आ चुका हूँ सब पर। मैं एक बार फिर से जाते जाते देख लूँगा और वहाँ से एग्जिट कर लूँगा, और ये एक मेरा छोटा सा व्लॉग भी बन जाएगा, क्या पता कुछ हो जाए। तो व्लॉग अब तक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वापस से मैं आता हूँ, आया हूँ अभी, और यहाँ पे भी पंखे लगे हुए हैं। व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। यहाँ पे सजावटी कला दीर्घ रूम है, जहाँ पे सजावट का सामान है। ये कुछ सजावट का अपने घर का, पुराने टाइम का, उस टाइम में राजा महाराजाओं के रूम में वगैरह वहाँ पे रखा जाता था। ये कलाएं हैं राजस्थान की, मार्बल से बने हुए ये तो सब, जो वाइट मार्बल आता है ना उससे बने हुए हैं सारी। ये जो थे ट्रेडिशनल, जो उसमें वाइन वगैरह रखी जाती थी वो उसके हैं। ऊँट का मांस, काला डिब्बा, पुरानी पुरानी चीज़ें रखी गई है, और टिकट भी एकदम सस्ता है। आप सब राजस्थान आओ, जोधपुर ज़िले में मोस्टली, तो आप यहाँ पे एक बार आके जाओ, बहुत ही अच्छी जगह। ये सारा मार्बल का आइटम है, मार्बल से ये मार्बल रहता ना, वाइट स्टोन, जो कि राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर है, जिससे ताजमहल भी बना हुआ, तो उससे ये सब चीज़ें बन रही है, हुक्का है, जो कप वगैरह है, तो इन चीज़ों का लोग यूज़ करते थे उस टाइम में, और एकदम रॉयल लाइफ जीते थे। ये सुल्ताना की एक फ़ोटो है शायद, और यहाँ पे भी यही सब चीज़ें हैं, पुरानी पुरानी घर को सजाने की चीज़ें। ये थाल था उस टाइम का, जहाँ जिसमें खाना वगैरह खाया जाता था, मतलब देखने को यहाँ पे बहुत कुछ है। और ये साइड से मिट्टी की पूरी कलाकारी है, मिट्टी से बने हुए टॉयज़ वगैरह उस टाइम में घर में रखे जाते थे। मुझे इतना नॉलेज है नहीं और यहाँ पे गाइड वगैरह तो है नहीं, पर आप देख सकते हो, फील कर सकते हो खुद से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। ये और कुछ घर को सजाने के उस टाइम की फ़ोटो फ्रेम है। ये साइड से कुछ चीज़ें अभी ऐड की गई है, कुछ चीज़ें बहुत पुरानी है। ये लोटा है लकड़ी का शायद से, और ये बड़ा लोटा है, ये लकड़ी, ये घर में भी रखी है। देखो बहुत ही मतलब कलाकारी देखो आप इसमें। हवा खा देता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। ये देखो आप, पूरा किला है, यहाँ पे रावण का ससुराल है, मंडूर गांव, इस शहर का नाम है मंडूर, जो कि राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पक्षी बहुत ही पुराना है, ये जीवित चील, मतलब चील मरी हुई है, पर इसको अभी देखा, इसको बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है यहाँ पे। ऊंट के चमड़े का मस्त 20वीं शताब्दी में, साइज से ये ऊंट का चमड़ा है जो अभी भी अलाइव है यार, हाँ 19वीं शताब्दी का। वो जो ऊँट की मस्क थी, वो पानी भरने का एक बहुत ही बड़ा बर्तन था, जो कि ऊँट के चमड़े से बना हुआ था। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, वहाँ पे ये सब मरे हुए पक्षी है जो अभी विलुप्त हो चुके हैं। ये कठफोड़वा है, उल्लू है, आई डोंट नो इन सब की डेड बॉडीज की कंडीशन इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन कैसे की गई है। बहुत सारे मरे हुए पक्षियों की डेड बॉडीज यहाँ पे क्यों रखी गई है ये मुझे नहीं पता, और इनमें से बहुत सारे पक्षी ऐसे थे जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है, और बहुत सारे पक्षियों को इतनी नजदीकी से भी पहली बार देखा। और मैं इन सारे पक्षियों को घूम घूम कर देखता हूँ, और इन सारे पक्षियों के मुंह को भी देखता हूँ। इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है इनके अंदर भी जीने की चाहत थी, पर किसी कारण इन्हें मार दिया गया। वैसे हम इंसान भी कितने मतलबी होते हैं ना, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर ले। तो सब दिन पक्षियों के लिए कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना।
वो सब तो देख लिया है और इसका शॉर्ट ब्लॉग भी बनाया है मैंने। और अभी आगे की तरफ जा, तो ये संग्रहालय है जहाँ पे पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं। फाइनली मैं घूमते घूमते करता हूँ मूर्ति कला के रूम में एंटर, जहाँ पर मुझे देखने को मिलती है यहाँ पर आसपास खुदाई में मिली हुई काफी सारी पुरानी मूर्तियाँ। यहाँ पर इसकी सबसे पुरानी मूर्ति 7वीं शताब्दी की है, तो यहाँ का इतिहास आप जान ही सकते हो कितना पुराना होगा। मूर्तियों पे जो कलाकारी थी वो बहुत ही अद्भुत थी, तो मैं जल्दी से इस रूम को घूमता हूँ और यहाँ का इतिहास भी पढ़ता हूँ। वैसे राजस्थान की गर्मी के आगे अच्छे अच्छों की हालत टाइट हो जाती है। और आप सबको बता दूं, ये जगह स्थित है राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, मंडोर गार्डन इस जगह का नाम है। फाइनली मैं एक बड़े से रूम में पहुंचता हूं जहां पर काफी सारी पुरानी मूर्तियां स्थित थी, जिनमें से काफी ज्यादा भगवान की मूर्तियां थी, तो मैं उन सबको देखता हूं। घूमते घूमते मुझे इस जगह का पुराना मैप देखने को मिलता है। इस जगह में इसका नाम मांडवपुर रखा गया था, जो कि मारवाड़ की राजधानी थी। तो मैं इस जगह को देखता हूँ, पसीने से अपने मुंह को पोंछता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ शिला दीर्घ रूम में। तो यहाँ पे पुरानी पुरानी मूर्तियाँ वगैरह रखी गई है, विष्णु अवतार वगैरह, बहुत ही पुराने पुराने 8वीं और 9वीं शताब्दी के, जो कि आज के टाइम में देखे तो 1200-1300 साल पुरानी चीजें हैं। यहाँ पे 9वीं शताब्दी की भी है, कुछ शिलालेख वगैरह भी यहाँ पे हैं। ये भगवान की नरसिंह भगवान की मूर्ति है, आप देख सकते हो, ये 8वीं शताब्दी के भगवान शिव की एक मूर्ति है। मूर्तियों को देखने के बाद मैं देखता हूँ शिलालेखों को, जो कि काफी पुराने थे, संस्कृत, उर्दू और अरबी बहुत सारे शिलालेख थे। तो मैं इस जगह में सारे शिलालेखों और मूर्तियों को देखता हूँ और इस जगह से फाइनली विदा लेता हूँ। फाइनली ये ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।